गुड मॉर्निंग एवरी वन आप सभी का स्टडी आई क्यू पर स्वागत है एंड आई एम डॉक्टर रंजीता आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन साइंस एन सी आर टी के चैप्टर नंबर ट्वेल्व के बारे में ये चैप्टर है अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्लांट्स जो हैं अपने आप को किस तरीके से प्रोपोगेट uh, करते हैं किस तरीके से नए प्लांट्स बनते हैं और जो है प्लांट्स uh, की स्पीशीज़ जो है वो आगे बढ़ती जाती है तो हम इसमें दो तरीके के मोड की बात करेंगे सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सो लेट्स स्टार्ट आप अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द ई मेल यू कैन फॉलो मी एट दिस इंस्टाग्राम लिंक और अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं माइंड द स्पेलिंग वाइल ज्वाइनिंग द चैनल और अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी यहीं पे प्रोवाइड किए गए हैं तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं तो जितने भी स्पीशीज़ हैं इस अर्थ पर चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है चाहे फिशेज़ है चाहे बैक्टीरियाज है चाहे कुछ भी है वो अपनी स्पीशी को आगे प्रोपोगेट करते हैं उनको अपने जो स्पीशी है उसको आगे बढ़ाना है इसके लिए वो क्या करते हैं वो अपने ही जैसे जो और ऑर्गेनिज़म्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं उसके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो जो भी स्पीशी होगी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जैसे कुछ और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो स्पीशी कंटिन्यू करती रहे तो वो जो मेथड होता है जो वो प्रोसेस है इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है ओके okay, फॉर्मली अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द केपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल केपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्राम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट ऑफ द सेम स्पीशी इज कॉल्ड द रीप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑर्गेनिजम फॉर्म होंगे किसके किससे फॉर्म होंगे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा उसको एग्जिस्टिंग वाले को हम क्या कहेंगे पेरेंट और जो नया है वो उसकी प्रोजनी है या उसका ऑफ स्प्रिंग है जो भी है ओके द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर द कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स द प्रोसेस ऑफ प्रीप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस एंड इज असेंशियल फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीशी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस लिए कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्पीशी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो जो स्पीशी है वो एंड हो जाएगी ओके तो उसके कॉन्टीन्यूएशन के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी असेंशियल प्रोसेस और जो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा उनके अंदर ट्रेट्स किसके होते हैं पेरेंट्स के ओके दस रिप्रोडक्शन मेक्स द लाइफ कॉन्टिन्यूस विच इज नॉट ओनली असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गैनिजम बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परपेचुएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशी अगर एक स्पीशी का परपेचुएशन करना है मतलब उसको निरंतर आगे बढ़ना है और उसका प्रिजर्वेशन करना है उसको उसको बचा के रखना है तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ओके okay? उससे क्या होता है स्पीशी का नंबर इंक्रीज होता है फिर मोड्स कौन कौन से हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ओके प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम प्लांट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वक्त ओके okay? हम एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे फिलहाल हम प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो सबसिक्वेंट क्लासेस में हम पढ़ेंगे तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट स्टेम एंड लीव्स ईच विद अ स्पेसिफिक फंक्शन इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट देखो जब भी कोई भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो उसके अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं हमेशा यूनि ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं अभी अमीबा को वो एक ही सेल होता है तो उसका अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव लेकिन दो तरीके की सेल्स होती हैं बेसिकली एक वेजिटेटिव सेल्स होती हैं और एक सेक्शुअल जो होती हैं वो वाली सेल्स होती हैं तो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं जैसे कि रूट्स हो गए स्टेम हो गए लीव्स हो गए प्लांट्स के केस में ओके विद ए स्पेसिफिक फंक्शन उनका अलग अलग फंक्शन है भाई रूट्स जो है वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे ओके okay? तो ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ ग्रोथ प्लांट बीयर फ्लावर्स अब जो फ्लावर्स लगते हैं प्लांट में वो जो वो उससे क्या बनता है फ्रूट्स और सीड्स तो जो फ्रूट्स और जो सीड्स हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मतलब जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स तो जो प्लांट्स के वो पार्ट्स जो कि सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है ठीक है तो प्लांट के केस में क्या होते हैं फ्लावर हो गया उसका फ्लावर जो होता है मैंने आपको कुछ पिछले क्लास में भी फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया था फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट भी हो सकते हैं मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी और फ्लावर के अंदर एक पार्ट भी हो सकता है तो कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक ही एक फ्लावर में एक तरीके का पार्ट होता है एक दूसरे फ्लावर में दूसरा पार्ट होता है ओके okay? मेल एक में होगा फीमेल दूसरे में होगा बट मोस्टली में क्या होता है मेल और फीमेल पार्ट एक ही में होता है ओके okay? मैं आपको दिखाऊंगी अभी डायग्राम में तो वो मेल और फीमेल पार्ट जो है वो दोनों सेम फ्लावर में भी हो सकते हैं वो अलग फ्लावर में भी हो सकते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं इन डिफरेंट वे इन प्लांट्स देर आर टू डिफरेंट मैथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो दोनों तरीके से होता है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल भी हो रहा है और सेक्शुअल भी हो रहा है ओके okay? मतलब प्लांट ग्रो कर रहा है साइज में बढ़ रहा है और अपने नए प्लांट्स बना रहा है तो वो सेक्शुअली भी बना सकता है और ए सेक्शुअली भी बना सकता है ओके okay? तो जो टर्म जो है जिसको हम मैं हम बार बार यूज़ कर रहे हैं सेक्सुअल उसका मतलब क्या है सेक्सुअल का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स मतलब वो जो सेल्स होती है जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलेंगे सेल्स की बात हो रही है कोशिका की बात हो रही है ठीक है जो सेल्स है उसको बोलता है बोलते हैं गेमीट्स भी बोलते हैं उसको सेल्स को वो जो है सेक्शुअल द सेक्शुअल मीन्स इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स वाइल ए सेक्शुअल में क्या होता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स मतलब सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन में हमेशा गेमीट्स जो होंगे उसका दो अलग अलग तरीके के गेमीट्स जो होंगे उसका फ्यूजन होगा हमेशा वो फ्यूज फ्यूज करना पड़ेगा उनको तब जाएगाट बनेगा उससे जाके आगे बनता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम पहले पढ़ लेते हैं फिर हम सेक्शुअल के ऊपर फोकस करेंगे फाइन तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब उसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है ओके इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो प्लांट्स के केस में क्या हो रहा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑब स्प्रिंग्स और न्यू प्लांट्स विदाउट सीड और स्पोर्स अच्छा ठीक है उसके अंदर सीड्स नहीं इन्वॉल्व हुए हैं वो लेकिन प्लांट नया बन गया है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का तरीका कैसे होता है क्या क्या तरीके हैं वेजिटेटिव प्रोप्रोगेशन होता है बडिंग होती है फ्रेगमेंटेशन होती है स्पोर्स फॉर्मेशन होती है ओके okay? अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है आगे अब ये तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो पार्ट है देखिए कार्पल एंड स्टेमन जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है और कार्पल है वो फीमेल पार्ट है ओके okay? अब कार्पल में देखिए स्टिग्मा है ये स्टाइल है उसका ट्यूब है और ये ओवरी है ओवरी के अंदर फीमेल गैमिट्स रहेंगे और मेल जो पार्ट है उसके अंदर क्या है स्टेमन के अंदर एंथर है और फिलामेंट है फिलामेंट तो एक ट्यूब की तरह है ये एंथर है तो जो एंथर है इसके अंदर पॉलन्स रहेंगे मतलब कि ये मेल पार्ट हो गया मेल गैमिट्स तो ये मेल गैमिट्स है इसके अंदर फीमेल गैमेट है तो फ्लावर के अंदर ये दोनों पार्ट रहते हैं मोस्टली तो ये इसमें होता क्या है ये वाला जो पॉलन है वो इसके ऊपर ड्रॉप होगा स्टिग्मा uh, के ऊपर और फिर ये इधर ओवरी में चला जाएगा और यहाँ पे फिर क्या होगा नया सीड बन जाएगा और सीड बनेगा फ्लावर उसका फ्रूट बन जाएगा यहाँ पे ओके okay? दूसरी तरफ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है सीड्स इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे सीड्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे नहीं है इन्वॉल्व इसमें क्या होगा देखिए प्लांट्स कैन प्रोड्यूस रू, रूट्स फ्रॉम कटिंग दैट अ प्लेस इन वाटर देखिए एक पत्ती को निकाल के आप इसमें कुछ जैसे मनी प्लांट होता है प्रोपोगेट ये आलू का है तो पोटैटो के केस में आप देखेंगे बर्ड्स निकल आते हैं उसको अगर आप काट के लगा देंगे तो नया पोटैटो बन जाएगा ऐसे एक और कोई प्लांट होता है वो अपने रूट्स यहाँ पे निकाल के इधर बना देता है ये देखिए ये इसके नीचे जो बल्ब होता है उसका इसी में स्प्लिट हो जाता है तो ये सारा क्या हो रहा है ये सब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, के केस में मेल और फीमेल दोनों गेमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट के केस में भी ओके तो अब हम बात कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसका पहला तरीका क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक नया प्लांट बनता है फ्रॉम द वेजिटेटिव यूनिट्स ऑफ बर्ड स्टेम एक्सेट्रा वो पार्ट से जिसमें फ्लावर में वो एंथर और एंथर और कार्पल ये सब इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं पत्ते स्टेम रूट्स ये सब इन्वॉल्व होंगे ओके द वेजिटेटिव यूनिट्स आर कॉल्ड प्रोपेग्यूल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस यूजिंग वेरियस प्लांट पार्ट्स एज गि बिलो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टेम से हो सकता है जैसे जो भी तना है पेड़ का या पौधे का स्टेम या ब्रांच से तो उसको कट करके नया प्लांट बनाया जा सकता है बी आर बर्ड्स इन द एगजिल्स एग्जिल्स क्या होते हैं एग्जिल्स वो पॉइंट होते हैं दैट present इन द axil. Axil क्या होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द एट द नोड अगर आप इसको देखते हैं देखिए यहाँ से ये यह अटैच होती है देखिए इस जगह पे ये लीफ है है ना ये कहाँ पे अटैच हुई है यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन एक्जिल है अगर आपको काट करना है कटना है काटना है इसको तो यहाँ से कट करना पड़ेगा नया प्लांट बनाने के लिए ओके तो ये हम पढ़ रहे थे एक्जिल जो होता है वो डेवलप करता है शूट में these are called vegetative buds the vegetative buds can give rise to new plant these buds consist of a short stem around which the immature overlapping leaves are folded these can produce new plant to kya hota hai hum kya karte hain stem jo hai usko cut karke ye dekhiye jo stem cutting kar sakte hain hum jo stem hai ye dekhi iska tana hai isko cut kar lete hain कहाँ से nodes के पास से कट करेंगे? axil जो होता है वो nodes होते हैं उसके। stem cutting from healthy disease free plant preferably from the upper part of the plant कटिंग शुड जनरली कंजिस्ट ऑफ अ करंट और अ पास सीजन ग्रोथ रिमूव एनी फ्लावर एंड फ्लावर बर्ड्स वैन प्रिपेयरिंग कटिंग तो उसमें फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है उसको निकाल दीजिए तो कटिंग कैसे करते हैं स्टेम का कट कर लिया जिसके अंदर नोड्स हैं और उसको नई जगह पर ला दिया तो so, ये क्या करता है नया प्लांट बन जाता है तो so, पहला तरीका क्या था एक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का प्रोपोगेशन कर रहे हैं हम किससे स्टेम से फिर दूसरा क्या तरीका है लीव से भी हो सकती है प्रोपोगेशन हर एक प्लांट में नहीं होती है हर एक हर एक तरीके का प्लांट की अलग अलग खूबी होती है कि वो स्टेम से प्रोपोगेट हो सकता है कि नहीं कुछ प्लांट्स जो है वो लीव से भी प्रोपोगेट हो सकते हैं लीव ऑफ सम प्लांट्स आर हरेड इंटू मॉइस्ट सॉइल द कट एज एंड द मार्जिन ऑफ द लीवस डेवलप न्यू प्लांट कुछ प्लांट्स की ये क्वालिटी है कि उनके जो लीव्स हैं ना वो भी प्रोपोगेट कर जाते हैं जैसे कि ये ब्रायोफाइलम जो प्लांट है इसके पत्ते हैं इसमें से भी रूट्स निकल आते हैं और इसके पत्ते भी नया वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रिप्रोगेशन मतलब पत्ते से ही नया प्लांट बन जाएगा इसमें कोई मेल और फीमेल गैमिट्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है पत्ते से ही इसका जो है ए सेक्शुअल वो क्या हो रहा है नया प्लांट बन रहा है रिप्रोडक्शन चल रहा है ओके तो वेजिटेटिव प्रिप्रोगेशन बाय लीव्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स एंड बल्ब्स कुछ जो प्लांट्स हैं वो अपने रूट्स के थ्रू भी बड़े होते हैं इस वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था देखिए ये जो है ये बल्ब के थ्रू जो रूट्स हैं इसके इसी के थ्रू इसका प्रोपोगेशन हो गया तो तीसरा तरीका क्या था बाय रूट्स न्यू इन सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो उठा लिया इन सब में क्या होता है वो रूट्स के थ्रू या उसके जो बल्ब होता है उसके थ्रू नया प्लांट बन जाता है ओके okay. तो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है उसके एडवांटेज क्या होते हैं हम हम ये जान लेते हैं तो जो उसके एडवांटेज होते हैं प्लांट जो प्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से उसको कम टाइम लगता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके प्लांट के अंदर पहले जो है मेल गेमिट फीमेल गेमिट के साथ मिलेगा फिर सीड फॉर्मेशन होगी फिर उसका फ्रूट बनेगा फिर फ्रूट को कोई खाएगा और फिर उसको सीड्स को कहीं आप लगाएंगे फिर से वो उसमें से प्लांट लेंगे तो बहुत लंबा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है बहुत ही छोट आसानी से लेस टाइम में नया प्लांट जो है हमको मिल जाता है जो न्यू प्लांट होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है है ना तो पेरेंट प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट तो इसलिए और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है मतलब फ्लावर के केस में किसी और फ्लावर uh, का भी उसके अंदर जो है मेल uh, पार्ट हो सकता है तो उसके अंदर वैरायटी हो सकती है लेकिन इस तरी इसके केस में क्या होगा सिमिलर प्लांट्स होते हैं फिर नेक्स्ट जो मेथड था वो था बडिंग वेजिटेटिव प्रोप्रोगेशन की बात हो रही है मतलब ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो उसमें सेकेंड था बडिंग इस प्रोसेस में क्या होता है अ डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन पेरेंट बॉडी कॉल्ड बड मोस्ट ऑफ द फंगस ये जो है वो इससे रिप, रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि यीस्ट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन एवरी आवर फ्यू आवर्स इफ प्रोवाइडेड विद अ सफिशेंट न्यूट्रिशन ये देखिए बडिंग ये वाला प्रोसेस है इसमें देखिए जो यीस्ट होती है फंगस होती है वो ऐसे करती है ये उसका फंगस का स्ट्रक्चर है उसी में से उसी की सेल में से एक और बडिंग निकलना शुरू हो जाती है और वो थोड़ा बड़ी हो जाती है और वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो फंगस का ऐसे रिप्रोडक्शन होता है फिर है फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन किस में होता है एलगी में एलगी जो स्पाइरो है स्पाइरो इज़ एन एलगी एलगी क्या होती थी हमने पढ़ा था एलगी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे जिसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है दैट आर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज़ तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से हो रहा है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इन दिस मैटर मैथड द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक इन टू स्मॉल पीसेस है ना हम देख लेते हैं कैसे होता है ये देखिए ये स्पायरो का हो रहा है ये स्पायरोगारा है पूरा जहाँ पे भी इसका सेप्टा होगा वहीं से ये ब्रेक हो जाता है न्यूक्लियस होता है और ये दो पार्ट में टूट गया तो मतलब इसमें किसी और आ, गेमीट्स फॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ वही जो सेल थी वही जो वो प्लांट था वही दो पार्ट्स में वही एल्गी दो पार्ट्स में टूट गया तो ये इनका तरीका है एक और तरीका है स्पोर फॉर्मेशन कुछ फंगस जो होते हैं वो क्या करते हैं एक एस एक्चुअली वो अपने स्पोर्स बना देते हैं स्पोर्स प्रेजेंट इन द एयर आर स्मॉल फेरिकल बॉडीज़ जिनके ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है हार्श एन्वायरमेंट में मान लीजिए उनको एक पर्टिकुलर अच्छा एन्वामेंट uh, नहीं मिला अपनी ग्रोथ के लिए तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है वो सिर्फ तभी स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं जबकि उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है देखो व्हेन फेवरेबल कंडीशन अराइव द स्पोर्स बर्स्ट एंड जर्मिनेट इन टू डेवलप अ न्यू प्लांट वो नया प्लांट बना देते हैं तो स्पोर्स आर वेरी लाइट इज एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज़ विच कैन बी कैरिड ओवर लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस बाय एयर और विंड के थ्रू स्पोर्स इधर उधर स्प्रेड होते रहते हैं उनका स्पोर्स बनाने का मकसद ही ये है कि वो हार्श एनवायरमेंट को सर्वाइव कर जाएँ और जैसे ही उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा वो जर्मिनेट करेंगे कुछ और प्लांट्स होते हैं जैसे मॉसेस एंड फर्न्स ये जो हैं ये भी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमने अभी ए सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने चार तरीके से पढ़ा है क्या क्या हमने पढ़ा इसमें हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बडिंग होती है फ्रेगमेंटेशन होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है तो ये सब तरीके से क्या हो रहा है ए मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन हो रहा है अब हम बात करते हैं इसके बाद हम क्या बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के इसमें दिखा देखिए दिखाया गया है कैसे बनता है स्पोर ये देखिए ये ब्रेड के ब्रेड का जो मोल्ड है उसके अंदर स्पोर्स बन गया ऐसे बन जाता है माइक्रोस्कोपिक होता है आपको ऐसे दिखेगा नहीं जल्दी से माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा ये आपको दिख सकता है फर्न जो होता है एक प्लांट उसके अंदर भी स्पोर्स यहाँ पे पतियों के नीचे स्पोर्स बन जाते हैं और वो सब जगह फैल जाते हैं ओके फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स में ओके जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर्स आर रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट दे हेल्प द प्लांट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड सीड्स फाइन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द मेल सेल इज प्रोड्यूज बाय द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच फ्यूज विद द फीमेल जो मेल पार्ट है उसको कंबाइन होना पड़ता है फीमेल जो पार्ट है उसके साथ फ्यूज होता है और उसके बाद जो है जो ये जो सेल्स होती हैं उनको गेमीट्स बोलते हैं विच वैन कंबाइन टू फॉर्म ए जाइगॉट ये आपको समझना पड़ेगा जो मेल सेल है मेल सेल और जो फीमेल सेल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल सेल की बात कर रही हूँ मैं कोशिका ठीक है तो उसके उसको जो है वो जो इनको बोला जाता है गैमीट्स दोनों को इसको भी इसको भी जब ये दोनों गैमीट्स कम्बाइन करते हैं दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं जाइगॉट ठीक है दोनों को बो इसको इसको दोनों को गैमीट्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं जायगॉट फाइन अब ये देख लीजिए इसमें दिखाया गया है प्लांट है माइटोसिस माइटोसिस जो होता है वो ए सेक्चुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन है मतलब माइटोसिस हो रहा है सेल्स जो हैं डिवाइड हो रही हैं लेकिन जब प्लांट बन गया ये फूल बन गया तो इसके अंदर मीओसिस होता है ठीक है आप माइटोसिस म्योसिस में अभी कंफ्यूज मत होइए ये मैं आपको एनिमल uh, रिप्रोडक्शन में अलग से पढ़ा दूंगी माइटोसिस में क्या हो रहा है ए सेक्चुअली वो, वो ग्रोथ हो रही है प्लांट की जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो भी तो ग्रो कर रही है ना वो भी तो डिवाइड हो रही हैं तो वो माइटोसिस के थ्रू हो रही हैं फिर मियोसिस में क्या होता है मियोसिस में जयगॉट बनते हैं मतलब मेल पार्ट बनेगा और फीमेल पार्ट बनेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगी फिर सीड्स बन जाएंगे और फ्रूट बन जाएगा फाइन तो हम पहले सबसे क्या पढ़ लेते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ लेते हैं हम पहले फ्लावर को देख लेते हैं ये देखिए ये, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये फ्लावर का है जो जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई देते हैं इनको बोलते हैं सेपल्स जो कलरफुल दिखाई देता है आपको जो रंग बिरंगे फूल दिखते हैं उसको बोलते हैं पेटल्स जब आप उस किसी भी फ्लावर के अंदर जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा पिस्टल एंड स्टेमन स्टेमन क्या है मेल पार्ट है इसके अंदर क्या है एंथर और फिलामेंट है जो ये एंथर है इसी के अंदर है जो मेल जो गेमीट्स हैं वो हैं और पिस्टल क्या है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओवरी के अंदर फीमेल गेमीट्स हैं इसके अंदर आ, एंथर के अंदर मेल गैमिट्स हैं तो ये पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है पॉलिनेशन कैसे भी हो सकता है हवा चली कोई मधुमक्खी आएगी तितली आएगी वो क्या करेगी यहाँ पे बैठेगी और अपने पैरों के ऊपर चिपका के ये एंथर को इधर डाल देगी या फिर हवा चलेगी तो उड़ के इधर चला जाएगा और इधर से इधर ट्यूब से अंदर चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा जयगॉट जब जाइगॉट फॉर्मेशन हो जाएगा उसी के बाद ही सीड फॉर्मेशन होता है ठीक है वो फ्रूट बन जाएगा फिर वहाँ पे तो ये आपने देख लिया अब हम देख लेते हैं पार्ट्स हमने देखा सेपल्स क्या होते थे जो ग्रीन कलर की लीफ थी आउटर मोस्ट सर्कल में ऑल सेपल्स टुगेदर फॉर्म एस ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस सेपल इंपॉर्टेंट है ओके okay? सेपल्स जो बाहर था. सेपल्स का था सेप्पल का फंक्शन क्या होता है वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर्स को थोड़ा थिक होता है तो वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है फिर आती है पेटल्स जो कलरफुल है ये कलरफुल है एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है दीज लाई इनसाइड द सेपल्स द पेटल्स आर टुगेदर रेफर एस कोरोला ये रहने दीजिए इसको मत छोड़िए पेटल्स से आप याद करिए सेपल्स पेटल्स फिर आता है स्टेमन स्टेमन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं फिलामेंट एंड एंथर दीज आर द लिटिल स्टॉक विद सोलन टॉप एंड लाइज इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स द स्टॉक ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द स्वोलन पार्ट ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंथर ओके ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टेमन फिर क्या होता है स्टेमन के अंदर क्या होता है अनर द एंथर जो एंथर होता है उसके अंदर क्या होता है पॉलन ग्रेन्स विच हैव मेल गेमीट्स वो मेल गेमीट्स हैं ठीक है थीके? जिसकी हमको जरूरत है मेल गेमिट्स तो पॉलन ग्रेन्स आर ये मेल गेमिट्स जाएंगे और फिर यहाँ पे फीमेल गेमिट्स जो भी होगा उसके साथ वो कंबाइन करेंगे ओके तो पॉलन ग्रेन्स आर एक्सपोज्ड व्हेन द एंथर राइपन्स एंड स्प्लिट जब एंथर जो राइप कर जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लावर जब बनता है उसी टाइम पे वो रेडी होता है नहीं वो जब राइप करता है जब वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है फ्लावर उसके बाद जो उसका एंथर जो होगा वो राइप करके वो स्प्लिट कर जाएगा उसमें से पोलन ग्रेन्स निकल जाएंगे दीज अपियर एज द येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस पॉलन ग्रेन्स होते हैं जब आप फूल को छूते हैं तो येलो येलो सा कुछ निकलता है उसमें आपके हाथों पर भी लग जाता है वो जो है वो पॉलन्स हैं ठीक है फिर पिस्टल की बात हो रही है पिस्टल क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का जो सेंटर में है बिल्कुल दीज आर फ्लास्ट शेप स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओवरी जो है उसके अंदर क्या है फीमेल गेमिट्स मेल वाला गेमिट्स है एंथर के अंदर ओवरी के अंदर फीमेल गेमिट्स है मतलब ये वाला जो मेल जो गेमिट है इसको फीमेल गैमिट तक पहुंचना है ठीक है तभी ये होगा ये वाला जब आ, ये देखिए ये जो एंथर है एंथर का जो ये मेल गेमीट है इसको यहाँ पे ये जाएगा और इसको यहाँ तक पहुँचना है तभी जायगॉट बनेगा ओके okay? तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो द टॉप पार्ट ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ड्यूरिंग पॉलिनेशन तो मैंने आपको बताया पॉलिनेशन जब होगा तो जो एंथर होगा जो मेल गेमीट होगा वो जाके फीमेल जो वाला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पे जाके उसको द, आ, स्प्रिंकल कर दिया जाएगा या तो मधुमक्खी है या तो कोई और तितली या फिर हवा से तो पॉलिनेशन जब होगा तो एंथर जो है इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर द मिडल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल विच कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी ये तो मैंने आपको दिखाई दिया ये देखिए ये स्ट्रक्चर देखा ना आपने स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इसके अंदर होता है आप बस तीन तीन जो पार्ट्स का मैं नाम लेती जा रही हूं ना उनको ही आपको याद करना है जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं सर्कल करती जाऊँगी हमेशा स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ये क्या है पिस्टल का पार्ट है पिस्टल फीमेल पार्ट है एंथर और फिलामेंट ये स्टेमन का पार्ट है ये मेल पार्ट है ओके okay, जब ये एंथर वाला पोर्शन यहां पे जाके इससे कंबाइन करेगा तो जायगॉड बनेगा फाइन तो जो स्वलन पार्ट है ओव्यूल एंड स्टोर द ओवरी मेक्स द स्वलन पार्ट द स्वलन बॉटम पार्ट एट द बेस ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी द ओवरी मेक्स ओव्यूल्स एंड स्टोर दैम जो ओव्यूल्स हैं वो फीमेल सेक्स सेल्स हैं जिनको एग सेल्स भी बोला जाता है ठीक है उसको ही कंबाइन होना है ये वाले सेल से इट इज द फीमेल गैमेट ऑफ द फ्लावर ये जो एग सेल्स हैं क्या है फीमेल गेमिट है पिस्टल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पल दिस पिस्टल इज सराउंडेड बाय सेवरल स्टेमिन एक पिस्टल होता है फ्लावर के अंदर और बहुत सारे स्टेमिन होते हैं इसलिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए ओके ताकि वो कंबाइन हो पाए और सीड फॉर्मेशन हो द बेस ऑफ द फ्लावर ऑन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच इज कॉल्ड रिसेप्टिकल ये ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लावर्स जो फ्लावर्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं और बायसेक्शुअल हो सकते हैं मतलब यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि उस फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा या तो मेल पार्ट होगा बायोसेक्सुअल का मतलब है एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स होंगे ओके यूनिसेक्सुअल क्या है द फ्लावर विच कंटेन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो मेल या तो फीमेल इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसके एग्जाम्पल क्या है पपाया पपीता वाटरमेलन कुकुम्बर ये जो बेल होती हैं एक तो वो सारे जिसके अंदर वाटर मेलन मस्क मेलन तरबूज खरबूजा खीरा ककड़ी ये सब के अंदर क्या होता है यूनीसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं और पपीता इसके अंदर भी बाई फ्लावर्स क्या होते हैं जिसके अंदर दोनों पार्ट हैं जो हमने फूल का डायग्राम देखा था अभी तो वो बायसेक्शुअल फ्लावर हैं तो बाई फ्लावर्स कॉमन है वो आपको सारी जगह पे बाई फ्लावर ही मिलेंगे क्यों बनाए हैं नेचर ने बायसेक्शुअल फ्लावर ताकि ईजिली जो है एंथर के पास ही रहे वो एंथर उसके फीमेल पार्ट के पास में ही रहे ताकि पॉलिनेशन हो पाए अगर दूर दूर बना देंगे तो पॉलीनेशन बहुत मुश्किल हो जाती है ये जो प्लांट्स है ना जिसकी मैंने अभी एग्जाम्पल है पपाया वाटरमेलन इसमें मान लीजिए अगर कहीं वहाँ पर कोई डिजीज़ हो गई और मधुमक्खियाँ नहीं आई उस एरिया में मधुमक्खियाँ नहीं आई या कोई और क्योंकि देखो दोनों फ्लावर अलग अलग हैं हवा से तो हो नहीं पाएगा पॉलीनेशन एयर से नहीं होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एयर से पॉलिनेशन नहीं हो पाता क्योंकि फ्लावर्स अलग अलग जगह पे होते हैं तो उसके लिए पॉलिनेशन का एजेंट चाहिए होता है मतलब हनी बीज या कोई भी और इंसेक्ट्स आके वो पॉलीशन करेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ वहाँ पर किसी जगह पर जहाँ पर कि वहाँ की सारी हनी बीज नहीं हो गई ख़त्म हो गई तो ये वाले जो प्लांट्स हैं इनका पॉलीनेशन नहीं हो पाएगा तो वो उनका प्लांट का पॉलीनेशन ही नहीं होगा और अगली बार वो प्लांट्स भी नहीं उगेंगे उस जगह पे या कम हो जाएंगे तो ऐसा होता है इट इज़ इट हैज़ बीन नोटिस सो मेनी टाइम्स तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है तो अब आप देख लीजिए स्ट्रक्चर बाई सेक्शुअल फ्लावर जैसे धतूरा का फ्लावर दिया है देखो इसके अंदर दोनों पार्ट जो हैं वो इधर ही हैं यूनी फ्लावर पपाया का फ्लावर देखिए इसके अंदर मेल पार्ट देखिए अलग है ये फीमेल पार्ट देखिए अलग फ्लावर में है एक ही पौधे पर एक ही पेड़ पर अलग अलग फ्लावर्स लगेंगे फिर इनको पॉलिनेशन एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हवा से पॉलिनेशन इनमें नहीं हो पाएगा मतलब हो सकता है लेकिन देर आर वेरी लेस चांसेस है ना तो इनको थोड़ा डिफिकल्टी होती है तो इसकी इसके लिए मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं बायोसेक्शुअल होते हैं नेचर में फिर अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है फ्लावर का जो फ्लावर्स होते हैं उनका फंक्शन ये होता है मेल और फीमेल गैमिट्स को बनाना देखा आपने प्लांट्स के किसी भी और पार्ट पे मेल और फीमेल गैमिट्स नहीं होते कहाँ पर होते हैं फ्लावर्स में तो मेल और फीमेल गैमिट्स कहाँ पे होते हैं फ्लावर में ये किस लिए है इट इज़ ऑल्सो इंश्योर दैट द फर्टिलाइजेशन वुड टेक प्लेस फॉर द सीड फॉर्मेशन अगर आपको किसी भी प्लांट के सीड्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको फर्टिलाइजेशन ही करनी पड़ेगी वेजिटेटिव प्रोपोकेशन से उसके बीज नहीं बनेंगे कभी भी प्लांट नया बन सकता है उसके अंदर पत्ते आएंगे उसका जड़ होगी उसका तना होगा सब कुछ होगा लेकिन उसके अंदर सीड्स जो अगर आपको बनाने हैं तो क्या हो चाहिए आपको तो फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए फ्लावर आ जाएंगे फ्लावर तक रुक जाएगा प्लांट फिर फिर उसके अंदर फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है सीड्स बनाने के लिए अदरवाइज फ्लावर फ्लावर बनकर गिर जाएगा अगर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगॉट देखिये ये जो वर्ड्स में बार बार यूज़ कर रही हूँ जाइगॉट गेमीट्स ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि यही सेम वर्ड्स जो होते हैं वो एनिमल रिप्रोडक्शन में भी आप सेम पड़ेंगे ठीक है फिर हम बात कर रहे हैं फंक्शन तो आपको समझ में आ गया फ्लावर का फंक्शन क्या है मेल और फीमेल गेमीट्स को बनाना है फाइन अब हम बात करते हैं पॉलीनेशन गेमीट्स तो बन गए फ्लावर्स पे लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के अंदर गेमीट्स होने से काम नहीं चलता वो जो गेमीट्स हैं उनका उनको कंबाइन होना भी ज़रूरी है तभी फर्टिलाइजेशन होगी अगर वो गेमीट्स यहाँ पे पड़े और एक यहाँ पड़ा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलीनेशन की ज़रूरत है तो पॉलीनेशन क्या होता है द तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन ये क्या है एंथर मेल पार्ट है टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल स्टिग्मा क्या है फीमेल पार्ट है पिस्टल मतलब पूरा ही फीमेल पार्ट है उसका सबसे अंदर वाला पार्ट स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट एंथर के को स्टिग्मा के ऊपर जाना होता है इसको बोलते हैं पॉलिनेशन द पॉलीनेशन टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट वेज अलग अलग तरीके से हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है कि जब पॉलन ग्रेन फॉर्म एंथर ऑफ वन फ्लावर रीचिज टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एक ही फ्लावर है उसी के स्टिग्मा में वो वाले एंथर्स है उसने पॉलिनेट किया है ठीक है सेम फ्लावर वैन द पॉलन ग्रेन्स फ्राम द एंथर ऑफ वन फ्लावर रीचेज टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलीनेशन सेल्फ पॉलीनेशन जनरली अकर्स इन बायसेक्शुअल फ्लावर मैंने आपको बताया उसी फ्लावर में होगा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है वैन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर और ऑफ अ प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिगमा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और दैट ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम काइंड मतलब क्या कह रहा है ये मान लीजिए एक तरबूज का प्लांट पड़ा हुआ है उसके में अलग अलग है तो उसके मेल जो फ्लावर है उसने ही उसी पौधे के दूसरे फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट किया है तो तो वो होगा वो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा और हो सकता है कि दूसरा पौधा जो वाटरमेलन का ही दूसरा पौधा है तरबूज का ही उसके प्ला पार्ट से जो उसका मेल पार्ट है उससे पॉलिनेशन भी हो सकता है तो मतलब सेम फ्लावर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से हो रहा है पॉलिनेशन या फिर अलग प्लांट के फ्लावर से भी पॉलिनेशन हो रहा है बट मतलब दोनों की स्पीशी सेम होनी चाहिए ओके उसी वराइटी का फ्लावर प्लांट होना चाहिए तो उससे जो होता है उसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिश दिस ट्रांसफर ऑफ अनदर प्लांट इज मेडिटेड बाई किसकी वजह से होगा क्रॉस पॉलिशन इंसेक्ट्स विंड वाटर एनिमल बर्ड्स ये सब करेंगे ओके okay. एक दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जो पॉलिनेशन होगा उसको बोलेंगे फाइन अब ये डायग्राम के थ्रू आप देख लो ये प्लांट है ये इसका फीमेल पार्ट है ये मेल पार्ट है ये यहाँ पे जाके हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन ये वाला एक है एक ये वाला है इसका ये वाला पॉलन निकल के इस वाले में जा रहा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है ये जो दोनों बायोसेक्शुअल फ्लावर्स के अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है बट जनरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही होता है क्रॉस पॉलिनेशन बायोसेक्शुअल में भी हो सकता है एक हनी भी यहाँ पे आके बैठी फिर वो यहाँ पे आके बैठ गई तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ओके okay. फिर हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से वो तरीके हैं वो एजेंट्स कौन कौन से हैं जिससे कि पॉलीनेशन होता है तो वो हो सकते हैं ए बायोटिक भी हो सकते हैं बायोटिक भी हो सकते हैं मतलब बायोटिक में क्या क्या हो सकते हैं बर्ड्स इंसेक्ट्स मैमल्स बैट्स रेप्टाइल्स है ना एबायोटिक में क्या हो सकता है विंड हो सकती है वाटर हो सकता है देखो रेप्टाइल्स भी होते हैं इसमें इंटरेस्टिंग है ना तो ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है मतलब जब ये फ्लावर्स का नेक्टर लेने के लिए आते हैं ये सारे के सारे तब ये अपने पैरों में क्या करेंगे अपनी बीक में पैरों में विंग्स में क्या होगा जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो चिपक जाएंगे जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज़ कैरिड आउट बाय सम एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक विंड वाटर इंसेक्ट्स दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन ओके सिंपल है फिर बात होती है पॉलिनेशन तो हो गई मेल पार्ट था फ्लावर का फीमेल पार्ट था फ्लावर का उसके बाद उसको जाके पॉलीनेशन भी हो गया पॉलिनेशन के बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन ओके okay. अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये देख लेते हैं हम फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गेमिट जो होता है फ्यूजेज विद द फीमेल गेमिट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल जाइगॉट मैंने आपको बताया मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जो फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है जाइगॉट इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ओके when pollens are deposited on the stigma of a pistil it begins to germinate after some time long pollen tube is developed to form the pollen grains which passes through the style towards the female gamete in the ovary chala gaya. the male gamete moves down to the pollen tube and tube enters the ovule so happens when male or female gamete combine with zygote formation hua. the tip of the tube burst and the male gamete comes out of the pollen tube ये सारा प्रोसेस बता रहे हैं तो जो जाइगोड जब डेवलप होता है एम्ब्रियो में विच इज़ द पार्ट ऑफ अ सीड दैट डेवलप्स इन टू अ न्यू प्लांट तो जाइगोड जब है ये क्या बन जाता है ये सीड बन जाता है और ये जो सीड होता है यही क्या होता है न्यू प्लांट बनता है तो फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन कब होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इन टू फ्रूट एंड द ओव्यूल डेवलप्स इन टू सीड द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर पेटल सेपल्स एंड स्टेमन बिकम ड्राई एंड फॉल ऑफ देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है ये देखिए ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा फ्लावर विदर अवे मतलब जो फ्लावर है वो टूट जाएगा क्योंकि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये जो जायगाड डेवलप हुआ था मतलब मेल और फीमेल गैमिट्स के बनने के बाद ये जयगॉड जो डेवलप हुआ था ये क्या होगा ये इसकी जो ओवरी की जो वॉल है इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगी ओके और ये फिर धीरे धीरे क्या डेवलप होगा ये फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी देखिए जैसे ये एप्पल है एप्पल के बीच में आपको सीड्स मिलते हैं ना तो वो कैसे डेवलप हुए थे वो उसके जो एप्पल का जो फ्लावर था वो फ़र्टिलाइज़ हुआ था उसके बाद जो है ये जाइगॉट में डेवलप हुआ था उसके बाद ये फ्रूट बन गया था ठीक है तो ये है एक पूरा प्रोसेस तो इस तरीके से फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है तो फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इन टू फ्रूट एंड द ओव्यूल डेवलप्स इंटू सीड तो जो ओवरी वाला पोर्शन था प्लांट का फ्लावर का वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल्स थे उसके अंदर जो छोटे छोटे ओव्यूल्स दिखते थे वो बन जाते हैं सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर पेटल एंड स्टेमन बिकम ड्राई एंड फॉल ऑफ ये हमने देख लिया तो so, इस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है अब ये देखिए जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है इसके अंदर क्या हो रहा है ओव्यूल बिकम सीड ये जो ओव्यूल्स थे ये छोटे छोटे ये बन गए सीड और जो ये ओवरी थी ये बन गया फ्रूट ओवरी बिकम फ्रूट तो ये आपको पता चल गया जब फ्लावर आपने जो देखा था उसके पेटल्स सेपल्स जो थे वो सब तो खत्म हो जाएंगे और क्या हो जाएगा ओवरी और ओव्यूल बचेगा ओव्यूल बनेंगे सीड्स एंड ओवरी बनेगा फ्रूट जो जाए है हैं इनसाइड द ओवरी गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द ओव्यूल एंड ग्रोज बाय सेल डिविजन टू फॉर्म एम्ब्रियो। पार्ट ऑफ ओव्यूल डेवलप्ड इन टू सीड एंड कवरिंग कवरिंग और सीड कोर्ट तो जो फ्रूट जो होते हैं फ्रूट्स आर राइपन ओवरी फ्रूट्स क्या हैं राइपन ओवरी हैं ये ऑफ अ फ्लावर ओके विच प्रोटेक्ट्स द सीड उनका काम क्या होता है फ्रूट्स का फ्रूट राइपन ओवरी होते हैं उनका काम यही होता है सीड्स को वो बचा के रखते हैं सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी लाइक मैंगो एप्पल ऑरेंज वाइल्सम आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलट्स सारे फ्रूट्स का यही काम होता है कि वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं अल्टीमेटली कोई ना कोई उस फ्रूट को खाता है और सीड्स को निकाल के अलग अलग जगह पर फैला देता है फेंक देता है या जो एनिमल्स होते हैं वो उसको पूरा का पूरा खा लेते हैं फिर जब वो अपना एक्सक्रीट आउट करते हैं फीसिस के फॉर्म में उसको अलग अलग जगह पर डाल देते हैं तो फिर वो ग्रो करता है तो दिस इज़ द मेकेनिज़्म फिर सीड का डिस्पर्जल होता है डिस्बर्जल क्या होता है सीड का सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोड द प्लांट अ लार्ज नंबर ऑफ सीड फॉल डाउन दे स्टार्ट ग्रोइंग इफ लार्ज नंबर ऑफ सीड फॉल इन द सेम प्लेस तो क्या हो जाएगा उनको ज्यादा जगह नहीं मिलेगी लाइट नहीं मिलेगी तो इसलिए नेचर ने इस तरीके का मेकेनिज्म बनाया है कि सीड्स जो होते हैं वो फैलते हैं डिसबर्जल हो जाता है उनका अलग अलग एजेंट्स के द्वारा अलग अलग तरीके से जो सीड्स हैं वो अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं वो नेचर का मैकेनिज्म है क्योंकि अगर सारे सीड्स एक ही जगह पे मिट्टी में डलेंगे तो क्या होगा वो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे उनको ना प्रॉपर लाइट मिलेगी ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो इसलिए नेचर का ये मैकेनिज्म है उसका सीड्स का डिस्पर्जन होता है तो डिस्पर्जन जो होता है सीड्स का वो कैसे कैसे होगा विंड के थ्रू रोलिंग मैकेनिज्म पैराशूट का मैकेनिज्म हो गया हाइड्रोफोरी मतलब क्या होगा पानी के थ्रू सेंसरी मिकानिज्म है ओके तो ये सारे के सारे क्या हैं अलग अलग तरीके हैं जिससे कि क्या होगा सीड्स जो है वो डिसबर्स होगा सीड्स आर मूव्ड अवे बाय सम एक्सटर्नल एजेंसीज टू फार ऑफ प्लेसेस द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स वो कोई भी प्रोसेस से हो सकते हैं सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स अवे थ्रू वेरियस एजेंसीज लाइक विंड वाटर बर्ड्स एंड सम एनिमल्स समटाइम्स क्या होता है सीड्स सीड्सल टेक प्लेस नेचुरली बाय द एक्सप्लोजन और बस्टिंग ऑफ फ्रूट ये कई बार खुद ही करता है वो जो फ्रूट है जो है वो खुद ही बस्ट हो जाता है सीड डिस्पर्जल एजेंट्स क्या क्या होते हैं विंड होती है वाटर होता है एनिमल बर्ड्स ह्यूम्स कैसे देखो या तो कुछ फ्रूट्स बन जाते हैं उसके जिसको खा लेते हैं लोग या फिर वो कुछ सीड्स जो है वो हर एक सीड का हर एक प्लांट का जो फ्रूट है वो खाने लायक नहीं होता ना तो वो क्या करेंगे अपने आप बर्स्ट हो जाएंगे और वो खुद फैलना शुरू करते हैं हवा के द्वारा पानी के द्वारा ओके जैसे ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है बाय विंड ये इस तरीके के आपने देखे होंगे ये बचपन में आपने पक्का देखा होगा ये वाला सीड ना जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे चुट छोटे बाल हैं ये हवा के साथ अपने आप उड़ता जाता है बाय एनिमल्स बैगर टिक्स ये चिपक जाता है कांटे लगे होते हैं और जैसे जैसे आप कोई भी एनिमल होगा उसके साथ चिपक जाएगा वो और जहाँ जहाँ वो एनिमल फिर बैठेगा जाकर वहीं पे वो गिर जाएगा बाय वाटर लोटस का सीड है कोकोनट का सीड है बाय डिस्चार्ज ये खुद ही टूट जाएगा खुद ही ये मतलब फट जाएगा उसका फ्लावर और अपने आप निकल जाएगा बिखर जाएगा बाय ह्यूमन्स बीन्स वीट चेरी मतलब हम खुद लेके जाके सीड्स को अलग अलग जगह पर डालते हैं एनिमल्स बहुत सारे खा भी लेते हैं सीड्स को तो डिस्बर्जल जब विंड के द्वारा होता है सीड्स आर वेरी लाइट एंड हैव विंग्स जो सीड्स को एयर डिस्पर्स करती है उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी वो हल्के होंगे उनके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन्स होंगे तो उससे क्या होगा वो उड़ते जाएंगे हवा चलेगी तो वो उड़ जाएंगे उसके साथ साथ तो सीड्स ऑफ मेपल ड्रम स्टिक्स हैव विंग्स इसमें क्या होता है सीड्स ऑफ ग्रासेस ऑर्किड्स बेगोनिया ये सब बहुत ही लाइट होते हैं जो विंड जिसको डिस्पर्स करती है वो लाइट होंगे बहुत ज़्यादा आराम से विंड के साथ चले जाएंगे जो वाटर से डिस्बर्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा उनके अंदर आउटर फाइब्रस स्पॉन्ज कवरिंग होगी ताकि जहाँ पे उनको जाना है वहाँ तक पहुँच के ही वो अपना आगे प्रोपोगेशन कर पाए तो ये जो जो सीड्स होंगे उनके अंदर क्या एबिलिटी होगी फ्लोट करने की एबिलिटी होगी तो ये पानी के साथ साथ ये जाते रहेंगे तो कैसे होगा वाटर लिली लोटस कोकोनट ये सब वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं जो कोकोनट फ्रूट होता है उसके अंदर फाइब्रस आउटर कवर होता है विच इनेबल्स देम टू फ्लोट इन वाटर एंड कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर है ना अगर आप किसी कोकोनट को डालोगे पानी में तो वो फ्लोट करेगा डूबता नहीं है डिस्पर्जल बाय बर्ड्स बर्ड्स क्या करते हैं उसको खा लेते हैं सीड्स को जैसे आपने देखा होगा पैरट पैरट जो होता है तोता होता है अलग अलग जगह पे पेड़ पे बैठ के आ, फल खाता है अलग अलग ओके okay? तो सीड्स आर डिस्पर्ज टू सम अदर प्लेसेस थ्रू बर्ड्स फीसीज जो बर्ड्स की फीसीज होंगी जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग होंगी उसके थ्रू वो क्या होगा अलग अलग जगह पर उसको फैला देगा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना बर्ड्स के जो ट्रैक होता है बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डिज़ोल्व कर देते हैं क्या हार्ड कोट होता है उसको डिज़ोल्व कर देते हैं तो जब वो फीसिस के थ्रू जब अलग अलग जगह पर डालते हैं ना बर्ड्स बर्ड्स ने कोई फ्रूट खाया उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स हुए तो एंजाइम्स ने उसके आउटर जो कोट है उसको गला देगा तो जैसे ही बर्ड्स जो है अलग अलग जगह पर एक्सक्रीट आउट करेंगे फीसेज मिट्टी में तो वो एकदम बढ़िया से सीड जो होगा जर्मिनेट कर पाएगा क्योंकि उसका आउटर कवर जो है वो गल चुका है तो वो मेकेनिजम है नेचर का कि बर्ड्स फ्रूट खाएंगे और उसको अलग अलग जगह पर ड्रॉपिंग्स के साथ साथ फैला देंगे सीड्स को तो वो सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे सिमिलरली जब एनिमल्स के केस में क्या बताया था एनिमल्स के साथ साथ चिपक चिपक के चले जाएंगे बहुत सारे सीड्स कांटे लगे होते हैं उसमें अलग अलग जगह पे जहां जहां एनिमल्स जाएंगे वो वहां वहां उसको फैला देंगे ओके okay? फिर एक और मेथड था एक्सप्लोजन और बस्ट जो चाहता है वो खुद ही जो होगा ब्रेक ओपन हो जाएगा बहुत सारे फ्रूट जो होंगे मेच्योर होंगे और खुद ही ब्रेक ओपन हो जाएंगे जिससे क्या होगा अलग अलग जगह पे स्कैटर हो जाएंगे सीड्स है ना तो ये भी एक अलग से मेकेनिज्म है कि सीड्स जो होंगे स्कैटर हो जाएंगे और फैल जाएंगे तो एक्सप्लोजन वाले मेकेनिज्म में आप देखिए इस तरीके से ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर ये एक्सप्लोजन के थ्रू ओपन हो जाता है ये और वो सब जगह खुद ही फैल जाएगा इधर उधर फिर हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं सीड डिस्पर्सल के सीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है ये एक तो पहला हमने जान लिया कि एक जगह पे ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए एक ही जगह पे ओवर क्राउडिंग होगी तो फिर वहां पे कंपटीशन शुरू हो जाएगा उन प्लांट्स के बीच में तो इसको अवॉइड करने के लिए इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ सीड डिस्पोज़ल इज दैट द प्लांट टू ग्रो इन टू न्यू हैबिटेट एंड इट्स प्रोवाइड दैम बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल मान लीजिए एक एक ही तरीके के सारे प्लांट्स एक ही जगह पर लगे हुए हैं और एक ही जगह पर मान लीजिए कोई कैलैमिटी आ जाता है बहुत ही एकदम से फ्लड आ गई सूखा पड़ गया सारे मर जाएंगे तो सीड डिस्पर्जल से क्या होता है अगर एक जगह पर कोई दिक्कत आती है और प्लांट सारे खत्म हो जाते हैं तो अलग जगह पर भी जहाँ पे वो डिस्पर्स हो चुके हैं वहाँ पे ग्रो करेंगे तो ये मेकेनिज्म है नेचर का सीड डिस्पोजल के बेनिफिट्स हैं ओके okay? फिर हम बात करते हैं जर्मिनेशन जब सीड जो होता है सीड अ प्लांट एम्ब्रियो इन अ रेस्टिंग स्टेट विच बिगिनस टू ग्रो ओनली अंडर द फेवरेल कंडीशन जो सीड है जो भी एक बीज है किसी भी प्लांट का हर बार वो जरूर नहीं है ग्रो करेगा वो सिर्फ तभी ग्रो करता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे है ना फेवरेबल कंडीशन क्या होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर मिलेगा उसको प्रॉपर खाद मिलेगा सनलाइट मिलेगा तो ही वो ग्रो कर सकता है द प्रोसेस बाई विच सीड्स बिगिनस टू ग्रो इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन तो जिस जब वो जर्मिनेट करना शुरू करता है मतलब जब वो नया प्लांट बनने लगता है तब तो हम उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं ओके इट इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम इट्स सीड वेन सीड जर्मिनेट्स द सीड कोट स्प्लिट्स एंड टाइनी रूट कॉल रेडिकल ग्रो एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड शूट कॉल प्लूमूल स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड्स तो जब भी, भी सीड ग्रो करेगा देखिए आप डायग्राम में देखिए तो इसमें क्या होगा ये रेडिकल तो नीचे की तरफ जाएगा और क्या होगा जो इसका शूट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा ये एक सीड था उसको हमने प्लांट किया तो ये नीचे की तरफ उसका रूट जाने लगेगा और उसकी जो पत्तियां हैं वो बाहर की तरफ आने लगेंगी इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन तो जब भी भी जितने सीड्स हैं जैसे कि आप गेहूं के दाने देखते हैं या कोई भी चने के दाने देखते हैं चने ये सारे के सारे क्या हैं सीड्स हैं लेकिन जब आप इन्हें रख के रखोगे अपने कंटेनर में तो वो रखे हुए हैं जब कब कब जर्मिनेट करेंगे जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जब आप उनको मिट्टी में लगाएंगे उसको पानी देंगे उसको खाद देंगे उसको सनलाइट मिलेगी तब वो जर्मिनेट करेगा ओके okay? तो दिस प्रोसेस दिस प्रोड्यूस सीडलिंग ऑफ द प्लांट द सीडलिंग ग्रोज फास्टर एंड यूटिलाइज अल्टीमेटली नए प्लांट में बन जाते हैं जब वही प्लांट जो सीड एक सीड से हमने उसको ग्रो किया जब वो मेच्योर हो जाएगा तो फिर वो फिर उसमें फिर से फ्लावर्स लगेंगे फिर से उसके अंदर सीड प्रोड्यूस होंगे और ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो चलता रहेगा मतलब एक प्लांट्स को एक फ्लावर था उसके अंदर मेल पार्ट था उसके अंदर फीमेल पार्ट था वो गैमीट्स बोलते हैं उसको जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तो वो जयकॉट बनता है फिर जो, जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उसको सीड्स बोलते हैं जो ओवरी का बाहर वाला कवर है उसको फ्रूट बन जाता है उसका वो फ्रूट जो है अलग अलग एजेंट्स के द्वारा फैलता है ताकि सीड्स अलग अलग जगह पे डिस्बर्स हो जाते हैं फिर वो जो डिस्बर्स सीड हैं फिर उनका होता है जर्मिनेशन और जर्मिनेशन के थ्रू फिर वो नए प्लांट्स बनते हैं नए प्लांट्स मच्योर होते हैं फिर से उनके फ्लावर्स आते हैं और वो जो साइकिल है वो चलता रहता है सो दिस इज़ द प्रोसेस तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा इस चैप्टर में हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है गेमीट्स के बारे में पढ़ा है फ्लावर के ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है किस तरीके से जर्मिनेशन होता है किस तरीके से सीड डिस्पर्जल होता है पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगे सारे टॉपिक्स थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन